हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस आई एम मैडी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, इसमें रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं और नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन पे अभी आपके सामने लिंक आया होगा, आप यहाँ जाके वो वीडियो देख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल का पार्ट 2 देखने वाले हैं और उसमें क्या नई चीज़ें होंगी, चलिए देखते हैं। हमने पहले वीडियो में ये सीखा था हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, और हमने पहले वीडियो में ये भी सीखा था कि टैब्स क्या होते हैं, रिबन क्या होता है और अलग अलग टैब्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, और हमने ये सीखा था नेम बॉक्स क्या होता है, सेल क्या चीज़ होती है, कॉलम कौन से होते हैं, रोज कौन सी होती है, फॉर्मूला बार ये कहाँ होती है, और अगर हम टैग्स टाइप करते हैं तो टैग्स हमेशा लेफ्ट अलाइन में आता है, अगर हम नंबर टाइप करते हैं तो वो हमेशा राइट अलाइन में टाइप होता है। तो आज इस वीडियो में हम नई चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, जैसे ये ए बी सी डी ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये सब कॉलम कहलाते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम ई, कॉलम एफ, कॉलम जी, कॉलम एच, ये सब कॉलम्स होते हैं। और रोज होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो नंबर लिखवा रहे हैं ये सब रोज कहलाती है। अब आपको क्या पता है कि एक एक्सेल शीट में कॉलम कितने होते हैं, तो हम चलते हैं राइट की तरफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस जेड तक। अब वापस से स्टार्ट हो गया ए ए ए बी ए सी ए डी, इसी प्रकार से ये बी ए बी 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 सी बी डी बी ई ये सब स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम लोग राइट में जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ जिससे हम एक ही बार में डायरेक्ट लास्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे। वो शॉर्टकट की कौन सी है, हमारे कीबोर्ड से टाइप करना होगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपके कीबोर्ड पे आप देखते हैं चार एरो बटन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो हम कंट्रोल के साथ अभी राइट बटन प्रेस करेंगे। तो जब हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है सबसे लास्ट वाले कॉलम पे हम अभी पहुँच चुके हैं, और टोटल कितनी कॉलम्स हैं, टोटल यहाँ पर कॉलम्स होते हैं 16,384, यानी कि 16,384 इतने आपके पास कॉलम्स होते हैं एक एक्सेल शीट में। अब अगर आपको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होता है, तो हम कैसे जाएंगे, नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, और इसी तरीके से हम कंट्रोल के साथ राइट प्रेस करते हैं तो हम लास्ट में पहुंच जाते हैं, और हम लेफ्ट में कंट्रोल बटन के साथ अगर प्रेस करते हैं तो हम लेफ्ट में पहुंच जाते हैं, यानी कि हम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि 16,000 जो कॉलम्स हैं ये काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार ये कॉलम्स भी बड़ी बड़ी कंपनीज को कम पड़ जाते हैं, फिर वो दूसरी शीट बनाते हैं, दूसरी शीट कैसे बनाते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो ये तो हो गई कॉलम की बात, अब हम देखते हैं रोज कितने होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने कॉलम के बारे में देखा, इसी तरीके से हम अब रोज के बारे में देखने वाले हैं। जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हम इस तरीके से जाएंगे, तब तक तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब इसकी शॉर्टकट की कौन सी है नीचे जाने के लिए, हम कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं। जैसे ही डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज 10,48,576, यानी कि 10,48,576 रोज आपको यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत सारी रोज पे काम कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलम्स बना लेते हैं और उनके साथ जब फॉर्मूला लगा लेते हैं, तब ये जो एम एस एक्सेल की फाइल है वो बहुत ही हैवी हो जाती है और उस पर काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा रोज या ज्यादा कॉलम पे काम करना है तो आप नई शीट बना के उस पर काम करें, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो हमने देखा हम किस तरीके से नीचे आ गए लास्ट रो में। अब अगर हमें वापस फर्स्ट रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ हम अप एरो दबाएंगे तो हम फर्स्ट वाले रो पे पहुंच जाएंगे। ये तो हो गई रो और कॉलम की बात। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं सेल क्या होता है, सेल किसे बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है जो ब्लैक कलर का डार्क है, वो दिखाई दे रहा है। तो जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है जो बॉक्स, वो सेल कहलाता है। सेल वो होता है जहां पर रो एंड कॉलम आपस में आके मिलते हैं। जैसे ये सी लाइन है और यहां पर फोर नंबर रो है, तो ये सी फोर, ये एक सेल कहलाता है। जहां पर रो एंड कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। और सेल का जो एड्रेस होता है वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेम बॉक्स कौन सा है, जो मैंने आपको यहां बताया था, ये नेम बॉक्स कहलाता है, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है और ये सेल है। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ सेल, ये क्या चीज होती है, रेंज ऑफ सेल क्या होती है। जैसे मैंने ये मल्टीपल रोज एंड कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं, तो हम जब इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये एक तरह से रेंज ऑफ सेल कहलाती है, इसे हम रेंज ऑफ सेल कहते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, C4, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, G17, तो ये हमारा रेंज ऑफ सेल हुआ। और ये जो वाइट सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रे हैं, तो जो वाइट सेल होता है इसको हम हेड सेल कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हमने देखा कि एक कॉलम में कितने कॉलम्स होते हैं, एक रो में कितने रोज होते हैं, फिर हमने देखा सेल क्या होता है और रेंज ऑफ सेल क्या होता है, हेड सेल क्या है। चलिए ये सब हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शीट वन, यानी कि ये एक शीट मैंने खोल रखी है। अब अगर मुझे नई शीट खोलनी है तो यहाँ पर आपको इंसर्ट वर्कशीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नई वर्कशीट ओपन हो जाती है, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो एक और नई शीट ओपन हो जाती है, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो एक नई शीट ओपन हो जाती है। इसकी एक शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F11 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक शीट ऐड हो चुकी है, यानी कि शीट 7 लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं फिर से शिफ्ट के साथ F1 दबाया तो देखा आपने शीट 8, जो कि लेफ्ट साइड में ऐड हो रही है। अगर मुझे राइट साइड में कोई नई शीट ऐड करनी हो तो मैं यहाँ जो इंसर्ट वर्कशीट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो वो राइट साइड में ऐड होती जाएगी। अब अगर मान लो जो लास्ट में जो शीट है, शीट 14, अगर मुझे उसको आगे लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसके ऊपर माउस का क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। ड्रैग कर रहा हूं मैं लेफ्ट की तरफ, शीट 11 यहां पे मैंने छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं ये शीट जो 14 जो लास्ट में थी वो आगे आ चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मुझे और आगे लाना है तो मैं इसको माउस से क्लिक करके रखूंगा और ड्रैग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और शीट 4 की जगह मैंने शीट 14 को रख दिया। इस तरीके से आप किसी भी शीट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, माउस से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और हर शीट के अंदर हम अलग अलग तरह का डेटा रख सकते हैं, जरूरी नहीं हमने एक शीट में डेटा रखा दूसरी शीट में हम सेम डेटा रखें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग शीट में अलग अलग प्रकार का डेटा रख सकते हैं। अब हम एक शीट पे राइट क्लिक करके देखते हैं। मैंने राइट क्लिक किया तो अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, यानी कि हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और ये इंसर्ट हो गया शीट 15, फिर मैंने क्लिक किया, फिर इंसर्ट किया और ओके किया, शीट आ गई। और ऑप्शन क्या है, अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैं डायरेक्ट डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रीनेम कर सकता हूँ। ये मैंने रीनेम कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो माई शीट क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये माई शीट 2 बन चुकी है। यहाँ पर हमने इसका एक कॉपी बना लिया।
वापस क्लिक किया, व्यू कोड और प्रोटेक्ट शीट हम बाद में देखेंगे। अब अगर हम चाहें तो टैब में अलग अलग कलर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें रेड कलर दे दिया, इस पर क्लिक किया, फिर टैब में गया, फिर ब्लू कलर दे दिया, फिर इस पर क्लिक किया, फिर टैब कलर में गया, इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। इस तरीके से हम अलग अलग शीट में अलग अलग कलर कोडिंग कर सकते हैं। फिर हम राइट क्लिक करते हैं। अब अगर मुझे हाइड करनी है ये शीट, तो मैं हाइड बटन पे क्लिक करके इस शीट को हाइड कर सकता हूँ, और अनहाइड करनी है तो अनहाइड करूंगा और शीट 5 जो हाइड कर रखी है वो अनहाइड हो जाएगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करता हूँ, मैंने कुछ डेटा टाइप किया, अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, डेटा में एग्जिस्ट इन द शीट सिलेक्टेड फॉर डिलीशन, टू परमानेंटली डिलीट द डेटा प्रेस डिलीट। अब ये मुझे कह रहा है इसके अंदर डेटा है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने डिलीट किया, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मैंने कुछ डिलीट कर दिया है तो मैं अंडू करता हूँ। अंडू मैं कैसे करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, लेकिन नहीं, जब मैं कंट्रोल जेड प्रेस किया मेरी शीट नंबर 5 मुझे नहीं मिली वापस से, तो इसीलिए वहाँ पे एक डायलॉग आया था कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे वापस मैंने कुछ टाइप किया, यहाँ पर मैंने टाइप किया, अब अगर मैं यहाँ पर इसको डेटा को डिलीट करता हूँ और मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये डेटा आ जाता है। इसका मतलब ये है अगर हम कोई शीट डिलीट कर देते हैं और उसके अंदर डेटा है तो वो हमें किसी प्रकार से वापस नहीं मिलने वाला, अगर हमने शीट डिलीट कर दी है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था, अगर हमने कोई शीट डिलीट कर दी है तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। हम अंडू सिर्फ उस शीट पे ही कर सकते हैं जो हमने डिलीट नहीं की है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आज हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने कितने कॉलम्स होते हैं उसके बारे में पता लगाया, हमने कितने सारे रोज होती है उनके बारे में देखा, हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे इन तक पहुंच सकते हैं, सेल क्या होता है, रेंज ऑफ सेल क्या होता है, हेड सेल क्या होता है, शीट्स के ऑप्शन क्या क्या होते हैं, ये सब हमने आज इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ें सीखने वाले हैं। मैं आपके लिए छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें ट्राई कर सकें, वीडियो देख के आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकें, इसलिए मैं इन वीडियो की लेंथ छोटी रख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ताकि आप सीख सकें, और जो मैं इस वीडियो में करवाता हूँ वो आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए मैं ये वीडियोस एक बार छोटे बना रहा हूँ। मेरे वीडियो छोटे बनाने का और एक साथ नहीं सिखाने का कारण यही है कि आप अच्छे से समझ पाएं जो भी मैं सिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MS Excel सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं MS Excel बहुत ही डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो जो दोस्त आपका MS Excel सीखना चाहता है तो आप उनको मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS Excel के नए पार्ट के साथ। और मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।